मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। नमस्कार, साउथ फिल्मों के पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर का इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दबदबा है। दोस्तों, फिल्म फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में अनस्टॉपेबल नजर आई है। फिल्म के आज सिनेमा घरों में 19 डेज पूरे हो चुके हैं और बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो फिल्म अपने थर्ड वीक में है और फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जमकर अभी भी पैसे कमा रही है। जी हां दोस्तों, फिल्म का थोड़ा बहुत ग्राफ डाउन हुआ है लेकिन फिल्म का कलेक्शंस जबरदस्त है। बात करेंगे फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 के अंदर करीब वर्ल्ड वाइड से 4 करोड़ की ग्रॉस कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म सलार का फ्रॉम डे 19 तक अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 735 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 250 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का हिंदी बेल्ट से 200 करोड़, वहीं फिल्म ने तमिल वर्जन में 18.30 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। दोस्तों, फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर के लिए प्रभास को 100 करोड़ की फीस दी गई है। फिल्म को प्रशांत नील के डायरेक्शन में होमले फिल्म प्रोडक्शन हाउस में विजय किरगंदुर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। वहीं दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म ऑडियंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस सिनेमा घरों में सीटियां बजाने पर मजबूर कर रही प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, तो वहीं थिएटर्स में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ देखकर फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर पैसे छाप रही है। फिल्म सलार को दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी है, तो फिल्म सलार को अगर आपने मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस किए हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म ढंकी के कलेक्शन डे 20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे शाहरुख खान, तापसी पन्नू एंड विकी कौशल स्टार फिल्म डंकी के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमा घरों में 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों बात करेंगे फिल्म डंकी के कलेक्शंस की, तो फिल्म डंकी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 20 के अंदर 1.45 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म डंकी का फ्रॉम डे 20 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 219.71 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 445 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है और फिल्म 450 करोड़ कमाने वाली है। फिल्म डंकी के बजट की बात करें तो फिल्म डंकी को 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग सैलरीज को मिलाकर। फिल्म डंकी की बात करें तो फिल्म को राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में तैयार किया गया है। फिल्म डंकी फिलहाल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर 450 करोड़ कमाने वाली है। फिल्म डंकी दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल की फिल्म एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 40 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म एनिमल के कलेक्शंस की, तो फिल्म एनिमल के आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म को 1 ऑफ दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। बात करेंगे फिल्म एनिमल के कलेक्शंस की, तो फिल्म एनिमल का फ्रॉम डे 40 तक आते आते टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 554 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 902 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म एनिमल को 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म एनिमल दोस्तों फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई है। दोस्तों फिल्म एनिमल आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो का हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट फसला तो लाइक करेगा और लाइक करे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।